नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं भगवती सक्सेना गौर और आज आपको सुना रही हूं पंचतंत्र की कहानियों में एक नई कहानी, कैसे बटे शिकार। बहुत समय पहले एक जंगल में एक सियार दंपति रहते थे। एक दिन सियार की पत्नी ने उसे कहा, बहुत दिनों से हमने मछली नहीं खाई, आज मछली खाने को मेरा दिल मचल रहा है, आप मेरे लिए कुछ मछलियां ले आइए। सियार बोला, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे इतने प्यार से कोई चीज मांगो और मैं ना लाऊं? मैं अभी जाकर मछलियां ले आता हूँ। ये कहकर सियार मछलियां पकड़ने के लिए नदी किनारे चला गया। वो बहुत देर तक बैठा रहा लेकिन मछलियां नहीं पकड़ सका। तभी उसकी नजर दो ऊद बिलावों पर पड़ी जो नदी में एक साथ डुबकियां लगा रहे थे। वो उनकी हरकतें ध्यान से देखने लगा। जल्दी ही वे दोनों एक मछली पकड़कर ऊपर आए। मछली हाथों में लेकर जब वे बाहर आए तो उनमें मछली आपस में किस तरह बांटी जाए इस बात को लेके तकरार शुरू हो गई। नदी से बाहर आकर उन्होंने मछली भूमि पर रख दी और झगड़ने लगे। एक ऊद बिलाव बोला, ये मछली मेरी है, मैंने इसे पहले देखा था। दूसरा बोला, देखा होगा, उसे क्या होता है, पकड़ा तो मैंने पहले था। दोनों का झगड़ा बढ़ता गया। कोई भी ऊद बिलाव दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी उनमें से एक ने कहा, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। दूसरे ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, आखिर अगर हम ये मछली आपस में बांट लें तो कैसा रहेगा? पहले ने कहा, बहुत बढ़िया। दूसरा बोला, ऐसा करो, तुम सिर ले लो और बची हुई मछली मैं ले लूंगा। तुम ही एक होशियार हो क्या? पहले ने गुस्से से कहा, तुम पूछ लो और बचा हुआ हिस्सा मैं ले लूंगा। तभी सियार सही मौका समझकर ऊद बुलावों के पास पहुंचा और बोला, दोस्तों मैं तुम्हारी समस्या सुलझा सकता हूँ। कैसे सियार भाई? दोनों ने आश्चर्य से पूछा। मैं मछली का तुम दोनों के बीच न्याय पूर्वक बंटवारा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मछली का बचा हुआ भाग मुझे मेहनताने के रूप में देना पड़ेगा। दोनों उद्बलाओं ने सियार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सियार ने मछली का सिर काटा और उसे पहले उद्बिलाव को दे दिया। फिर वह दूसरे ऊद बिलाव से बोला, तुम यही चाहते थे ना? हाँ हाँ, उस ऊद बिलाव ने सिर हिलाया। वो सोच रहा था मछली का बचा हुआ हिस्सा अब उसे ही मिलने वाला है, लेकिन उस बिचारे को क्या पता था कि चतुर सियार के इरादे कुछ और थे। वो वहां उनका बंटवारा करने नहीं बल्कि अपना उल्लू सीधा करने आया था। बेचारे ऊद बिलाव सियार को एक न्याय प्रिय दयालु प्राणी समझ रहे थे। अब सियार ने मछली की पूछ काट कर उसे दूसरे ऊद बिलाव को दे दिया। फिर उसने बड़ी चालाकी से पहले ऊद बिलाव से पूछा, संतुष्ट हो ना, यही तो तुम चाहते थे? पहले ऊद बिलाव ने तुरंत से हिलाया, ठीक है, शर्त के अनुसार मैंने तुम दोनों के बीच संतोष पूर्वक मछली का बंटवारा कर दिया। अब बची हुई मछली मैं अपने मेहनताने के रूप में ले लेता हूँ। यह कहकर सियार ने बची हुई मछली उठाई और अपने घर की ओर चल दिए। दोनों बिलाव बड़बड़ाते हुए
अपने घर की ओर चल दिए। उन्होंने फैसला कर लिया था कि जीवन में फिर कभी किसी सियार पर भरोसा नहीं करेंगे। उधर सियार जब मछली लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उस शाम उसने बढ़िया मसाले डालकर मछली का स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया। सियार और उसकी पत्नी ने शानदार भोजन किया। ऊद बिलावों की बेवकूफी पर खूब कह कहे लगाए। शिक्षा, दो की लड़ाई में हमेशा तीसरे का फायदा होता है। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना गौर की आवाज में ये नई कहानी। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ।